नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं हूं सन्नी सारंग। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि यूपीए के सभी विधायक हवा में हैं। आप सबों को पता है कि रायपुर से जो फ्लाइट है वो चली थी झारखंड की राजधानी रांची के लिए। जिन यूपीए के विधायकों को रायपुर के में फेयर होटल में रखा गया था, वे विधायक फ्लाइट से रांची के लिए पहुंचे थे, लेकिन रांची पहुंचने के बाद फ्लाइट अब तक लैंड नहीं हो पाई है, क्योंकि एयरपोर्ट के इलाके में जो है भारी बारिश हो रही है और लो विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट जो है लैंड नहीं हो पा रही है। दो राउंड अभी तक एयरपोर्ट के ऊपर जो फ्लाइट है वो लगा चुकी है। जो एयरपोर्ट के अथॉरिटी है उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक लो विजिबिलिटी है, इसलिए फ्लाइट अभी लैंड होना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि 10-15 मिनट के बाद, जब बारिश थोड़ी हल्की होगी, विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर होगा, उसके बाद फ्लाइट लैंड हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि जो स्पेशल फ्लाइट झारखंड सरकार ने बुक किया है, आपको पता होगा कि कैबिनेट से पिछले दिनों जो है उसके लिए पैसा भी निर्गत किया गया था, वो फ्लाइट फिलहाल रांची एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पा रही है। उस पर जो विधायक हैं वो रांची एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं और फ्लाइट लगातार ऊपर राउंड मार रही है, क्योंकि बारिश होने के कारण विजिबिलिटी बहुत ही लो है और इसलिए पायलट जो है वह रिस्क नहीं ले रहे हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उन्हें यह इजाज़त नहीं दे रहा है कि वह फ्लाइट को जो है लैंड कर सकें। और मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची के कचहरी चौक स्थित सर्किट हाउस के बाहर हूँ, जहाँ पर एयरपोर्ट से निकलकर विधायक पहुँचने वाले हैं और यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को जो है मजबूत कर दिया गया है। अभी इस इलाके में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है बारिश शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी हैं और यहाँ पर बारिश हो रही है। हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। संजय, फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही है। अभी एयरपोर्ट के जो एसडी हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि दो चक्कर फ्लाइट लगा चुकी है, अभी तक लैंड नहीं हो पाई है। क्या लग रहा है कि क्या होगा? देखिए, एटीसी से जो परमिशन लेना पड़ता है लैंडिंग के वक्त, वो नहीं मिल पाया है और वजह आपने बता दिया है दर्शकों को कि विजिबिलिटी जो है उस तरीके से स्पष्ट नहीं है। जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे कि बारिश हो रही है, हम लोग भी छिप करके जो है किसी तरीके से लाइव के जरिए जो है दर्शकों को बता रहे हैं। कल जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया है एक दिनों का, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो विधायक पिछले 5 दिनों से 30 अगस्त को जो है ले जाया गया था, रायपुर एयरलिफ्ट किया गया था, और आज 5 दिन बीत जाने के बाद उन सारे विधायकों को लाया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास में उनकी एक बैठक भी हो। कल का जो विशेष सत्र है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल, कल का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी जो अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि विधायकों की जो फ्लाइट है वो रांची एयरपोर्ट पर लैंड हो जानी थी, लेकिन अब तक लैंड नहीं हो पाई है। एयरपोर्ट के जो ओएसडी हैं उन्होंने जो जानकारी दी उसके अनुसार एयरपोर्ट के ऊपर दो चक्कर जो है फ्लाइट लगा चुका है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही लो है और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 10-15 मिनट के अंदर जब विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर होगा और उसके बाद फ्लाइट जो है लैंड करेगी। अभी सभी विधायक जो है फ्लाइट में ही बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जब फ्लाइट लैंड हो जाए और एयरपोर्ट के बाहर जो बस लगी है उस बस पर बैठेंगे और इसी सर्किट हाउस में आके रुकेंगे। देखिए, ये साज सज्जा जो है किया गया है, अभी हाल ही में इस सर्किट हाउस का जो है रेनोवेशन किया गया है और उद्घाटन कहा जा सकता है कि इन विधायकों को रखकर ही यहाँ पर किया जाएगा। तो कल का इंतजार हर किसी को है और जो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं संजय, कि हो सकता है कि जब विधायक यहाँ पर पहुँचे तो मुख्यमंत्री भी आएंगे, बैठक होगी विधायक दल की। हम मुख्यमंत्री यहाँ आए या फिर सीएम हाउस में इन लोगों को बुलाया जाएगा। और ऐसे भी आपको याद होगा, एक परंपरा भी रही है कि सदन की सत्र के पहले जो है एक बैठक होता है, चाहे यूपीओ हो चाहे एनडीए, एनडीए की भी एक बैठक होने वाली है, तो हो सकता है कि देर शाम तक जो है मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक हो। और जो ये उम्मीदें लगाई जा रही है, जिस दिन से कैबिनेट की बैठक कैबिनेट में यह तय हुआ कि एक दिन का विशेष सत्र होगा, उस दिन से ही पूरी राज्य की निगाहें जो है 5 सितंबर पर है। 5 सितंबर काफ़ी विशेष होने वाला है झारखंड के लिए, और ख़ास तौर पे जो लोग ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यूपीए की गवर्नमेंट से कि खतियान आधारित स्थानीय मुद्दा हो, स्थानीय नीति का मुद्दा हो, या फिर जातीय जनगणना का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मुद्दा हो, सुखाड़ पे चर्चा का हो, या फिर इन जैसे कई सारे ओबीसी में आरक्षण का जो 27% का जो मुद्दा है, तो ये 5 मुद्दे ऐसे हैं जो काफ़ी अहम हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इन सब चीज़ों पे जो है कल चर्चा हो सकता है, कुछ का बिल भी टेबल किया जा सकता है। तो उम्मीद जो है लोगों की
वो धीरे धीरे सबकी निगाहें टिकी है कल जो विशेष सत्र बुलाया गया है उस पर, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि विधायक जिस फ्लाइट पर हैं वो फ्लाइट कब लैंड होगी और कब सुरक्षित जो है विधायकों को लैंड करा लिया जाएगा। हालांकि बहुत मुश्किल स्थिति और परिस्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है, विजिबिलिटी लो है और जिस फ्लाइट पर विधायक हैं उसमें फ्यूल अभी जो जानकारी है उसके अनुसार है इतना कि कुछ देर तक वो एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा के या फिर नज़दीक का जो एयरपोर्ट है वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। इस बीच लगातार सायरन भी बज रहा है, हो सकता है कि अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर तमाम जो विधायक पहुँचने वाले हैं वो पहुँच भी सकते हैं। और हलचल जो है रांची सर्किट हाउस के बाहर जो है काफ़ी तेज़ हो गई है, आप देख सकते हैं लगातार ये एम्बुलेंस की गाड़ी इधर से गुजर रही है और उसी का सायरन है। चूँकि आपको पता है कि बगल में रिम्स और मेडिका, राम प्यारी, पल्स तमाम हॉस्पिटल हैं और इधर से ही तमाम गाड़ियां होकर गुजरती है। तो हमारे साथ साथ आपके जैसे तमाम दर्शकों की नज़र इस बात पर टिकी है कि आखिर विधायकों की फ़्लाइट जो है कब रांची एयरपोर्ट पर लैंड होगी, क्योंकि वो रांची तो पहुँच चुकी है लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर लगातार वो चक्कर लगा रही है। इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि विजिबिलिटी जो है वो थोड़ा क्लियर हो और उसके बाद फ्लाइट सुरक्षित तरीके से लैंड किया जा सके। और इधर भी सर्किट हाउस के पास आप देख सकते हैं कि बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और यहाँ भी बारिश हो रही है और अब इंतज़ार बस इसी बात का किया जा रहा है कि विधायकों की फ़्लाइट जब लैंड होगी और वो बाहर निकलेंगे और सर्किट हाउस तक पहुँचेंगे तो फिर क्या कुछ होगा। लेकिन ये बहुत ही अहम जानकारी है चूँकि झारखंड के करीब आधा से अधिक विधायक उस फ्लाइट पर मौजूद हैं और वो फ्लाइट रांची एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पा रही है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी लो है। क्योंकि आप सबों को पता है कि फ्लाइट लैंड करने के बाद रनवे पर जब गाड़ी दौड़ती है तब उसके लिए विजिबिलिटी मतलब सामने जो सड़क है एयरपोर्ट का जो रनवे का वो विजिबल होना चाहिए, उसके बाद ही माना जाता है कि सुरक्षित लैंड हो सकता है। तो अब सभी का इंतज़ार है कि कब फ्लाइट यहाँ पर पहुँचेगी और हम लोग इस सर्किट हाउस के बाहर से आपको जब फ्लाइट लैंड होने के बाद यहाँ पर बस पहुँचेगी तो यहाँ से वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुक्रिया।